This is a सीलिंग, सीलिंग से बंधी हुई है यह वर्टिकल स्प्रिंग और इस स्प्रिंग से यह मास हैंग है। This is the situation. Now, first of all, tell me, at a static condition, क्या यह स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर हो सकती है? एट स्टैटिक स्टेट क्या यह स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर कभी हो सकती है? कभी नहीं। स्टैटिक स्टेट में हम अच्छी तरह से जानते हैं एट स्टैटिक स्टेट इस मास m पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, स्प्रिंग की वजह से कुछ फोर्स ऊपर लगना ही पड़ेगा। यह स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l है, यह कुछ एलोंगेटेड x नॉट से होगी और यदि यह x नॉट से एलोंगेटेड होगी तो इस स्प्रिंग के ऊपर के x नॉट से ऊपर फोर्स लगेगा और के x नॉट से इस तरह से एलोंगेटेड फोर्स जरूर लगेगा और यह के x नॉट फोर्स ही इधर दिखाई देगा। हम इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यह स्प्रिंग जो x नॉट से एलोंगेटेड होगी तो एक्स नॉट से एलोंगेटेड स्प्रिंग पर एलोंगेटेड फोर्स के एक्स नॉट ऊपर और इधर एलोंगेटेड फोर्स एक्स नॉट नीचे। ये जो के एक्स नॉट फोर्स है ये कौन लगा रहा होगा? ऊपर की सीलिंग। लेट मी ड्रॉ इट टू द स्केल। ये थोड़ा गड़बड़ डायग्राम कर रहा है, मैं जो चीज जहां है बिल्कुल वैसे की वैसे ही ड्रॉ करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह मास और यह सीलिंग और यह इन दोनों के बीच की स्प्रिंग हम कहते हैं यह स्प्रिंग जो L प्लस एक्स नॉट से एलोंगेटेड है, तो यदि यह एक्स नॉट से एलोंगेटेड है तो इस पर एलोंगेटेड फोर्स इस तरह से होगा ही के एक्स नॉट। दिस इज एलोंगेटेड फोर्स। एलोंगेटेड स्प्रिंग पर इस तरह का फोर्स जरूर दिखेगा। अब यदि स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स कौन लगा रहा होगा? ये सीलिंग। ये जो सीलिंग है ये स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रही है के एक्स नॉट से। इन टर्न स्प्रिंग भी इस सीलिंग को के एक्स नॉट से नीचे की तरफ खींचेगी। टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इधर के एक्स नॉट नीचे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा होगा? ये मास स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है। इन टर्न यह स्प्रिंग इस मास को के एक्स नॉट से ऊपर खींच रही होगी और इस मास पर mg फोर्स नीचे। अब हम कहते हैं एट स्टैटिक स्टेट Kx naught must be equal to mg. X naught must be equal to mg by k, and potential energy is half k x naught square or half k into mg by k whole square or half m square g square by k. यह पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन पर है। अब मैं प्रॉब्लम फ्रेम करता हूं। इस सिचुएशन पर वही की वही सिचुएशन जो अभी थी, इसी सिचुएशन पर मैंने कहा नाउ दिस मास इज गिवन एन इंपल्स, नाउ दिस मास इज गिवन अ सडन जर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, this mass is given a sudden jerk or it is given an impulse in downward direction, due to which this mass will start moving with some velocity v0 in downward direction. अब यह mass v0 velocity से downward direction में move करने लगा. Now my question is, what is the maximum elongation in the spring, or what is the further maximum elongation in the spring? स्प्रिंग ऑलरेडी एक्स नॉट से elongated है, फर्दर इसके नीचे इस वी नॉट जर्क के देने से फर्दर यह मास मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा, या फिर यह कहें कि अब स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा. पिछले केस में मास हॉरिजॉन्टल सरफेस पर था और उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आ रहा, मगर इस सिचुएशन में आप देखें जब यह मास नीचे की तरफ जाएगा तो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में भी वेरिएशन आएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी वेरिएशन आएगा. अब इस जगह पर जब हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो बड़ी सावधानी से इक्वेशन बनानी होगी. सबसे पहले इस बात को समझ जाए कि सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड नेवर बी सॉल्व बाय द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स. इस तरह के प्रॉब्लम को, इस तरह की सिचुएशन को डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में कभी भी मत सोचिए. उलझते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, मगर सॉल्व नहीं कर पाओगे. इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के प्रॉब्लम में बेस्ट कंसेप्ट होता है द कंसेप्ट ऑफ WPE, वर्क पावर एनर्जी, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. इस केस में आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियली देखना है और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनली देखना है, और उसी कंसेप्ट से आपको इस प्रॉब्लम को करना है. मगर अब इस केस में इक्वेशन कैसे बनाओगे सोचो और मुझे बताओ. मैं मैक्स एलोंगेशन की कंडीशन को फिगर में एक और बार ड्रॉ कर देता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 यह पार्टिकल अपने सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आ चुका है. अब यह पार्टिकल का लेवल यह है. द पार्टिकल हैड डिसेंडेड बाय दिस h हाइट. h हाइट से पार्टिकल फर्दर नीचे आ चुका है और इस जगह पर अब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो चुकी है. अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की इक्वेशन हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसे इनिशियल कंडीशन कहते हैं. इस इनिशियल कंडीशन पर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं 0 कहूंगा. नहीं, सॉरी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो पार्टिकल की, और फाइनली यह पार्टिकल रेस्ट पर है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। खास बात, इधर पोटेंशियल एनर्जी एक नहीं लिखा जाना है, जैसा मैंने बताया दो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जानी है। एक तो स्प्रिंग के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और इस जगह पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना जरूरी होगा, क्योंकि पार्टिकल की हाइट में फर्क आ रहा। अब मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैं इसे रेफरेंस बोल देता हूं, जो इसका बॉटम पॉइंट है इसे रेफरेंस बोल देता हूं। तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वुड बी, स्प्रिंग एक्स नॉट से एलोंगेटेड है तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और यह मास एम रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट पर ऊपर है तो प्लस एम जी एच मैं यह लिखूंगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन पर, अब इस सिचुएशन पर मास m अपने रेफरेंस पॉइंट पर आ चुका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो लिखी जाएगी और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वहां लिखी जाएगी हाफ के, अब एक्स नॉट से तो पहले ही एलोंगेटेड था, फर्दर एच से नीचे आया तो एलोंगेशन में लिखूंगा एक्स नॉट प्लस एच होल स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय अब इधर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अकाउंट करके लिखूंगा। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वही इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल की जगह हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर जीरो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह हाफ के एक्स नॉट प्लस एच होल स्क्वायर। मैं इस तरह से इक्वेशन बनाता हूं। अब इसे हम सॉल्व करना सीखते हैं और सॉल्व करके कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं एक्स नॉट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर की जगह क्यों ना यह वैल्यू लिख दूं, और वैल्यू ना लिखकर मैं इसको चाहूं तो ओपन करके कैंसिल भी कर सकूंगा। मैं तो कैंसिल करना अभी ज्यादा ठीक सोचता हूं, ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ऐसा कैसे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एच स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू टू एक्स नॉट इंटू एच। मुझे यह इक्वेशन दिख रही है इस तरह से, जिसमें हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है पूरा, ऐसा कैसे? अब मैं क्या करता हूं, इस एक्स नॉट की जगह पर यह एक्स नॉट जो मैंने सॉल्व करके लिख रखा है इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा। स्टैटिक कंडीशन में वो जो एक्स नॉट से ऑलरेडी एलोंगेटेड है यह वही एक्स नॉट है, मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और अब यह इक्वेशन दिखने लगेगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यहां 2 से 2 कैंसिल और के एच इंटू एम जी बाई के। तो इस तरह से इधर के भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और यह आप देखिए एम जी एच भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और अल्टीमेटली बिल्कुल सिंप्लीफाइड सी इक्वेशन बन चुकी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें हाफ और हाफ भी अब मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और h बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक एक्सप्रेशन दिखने लगा है m अपॉन के अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इंटू वी नॉट, वैसा का वैसा ही मुझे एक एक्सप्रेशन दिखने लगा है जैसा इसके पहले दिख रहा था। एंड नाउ द कंक्लूजन, द कंक्लूजन पार्ट जो इतना लंबा हमने सॉल्व करा उसका क्या कंक्लूजन। यह स्प्रिंग की स्टैटिक स्टेट थी और इस स्टैटिक स्टेट में के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी था। एक्स नॉट स्प्रिंग इस जगह पर एलोंगेटेड थी, उसमें एलोंगेशन था एम जी बाई के। उस स्प्रिंग के पास इस कंडीशन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। हम कहते हैं ऑल्दो इस सिचुएशन पर स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी और इधर से ही इसी सिचुएशन से हमने इस मास को एक सडन जर्क दिया और सडन जर्क देकर इसको कुछ वी नॉट वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दी, जिसकी वजह से यह पार्टिकल फर्दर नीचे जाने लगा और इसके फर्दर नीचे जाने से स्प्रिंग में एलोंगेशन आने लगा और फिर हमसे दोबारा यह पूछा गया कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या है। इस मैक्सिमम एलोंगेशन को डिटरमाइन करने का यह एक तरीका तो आप बोर्ड पर देख ही रहे हो, जिसमें हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन पर लिखी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन पर लिखी। पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि इधर हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी होगी, क्योंकि दोनों पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है। मास जब नीचे जा रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और स्प्रिंग जब एलोंगेट हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को हमने अकाउंट करा, इनिशियल भी और फाइनली भी। फाइनली हमने कहा सिंस हमको मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है और मैक्सिमम एलोंगेशन के समय dx by dt जीरो हो जाना चाहिए, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, मतलब इस मास की वेलोसिटी जीरो हो जाना ही होगी। मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए हमेशा ध्यान रखो जो जनरलाइज्ड कंसेप्ट कि मैक्सिमम एलोंगेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाने से हमने काइनेटिक एनर्जी को जीरो बोल दिया और पोटेंशियल एनर्जी में अब हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हमने रेफरेंस ये चूज कर लिया, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है ऑलरेडी एक्स नॉट था और फर्दर एक्स से हो गया, इसलिए यह हमने यह पोटेंशियल एनर्जी लिखी और फिर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब एक बात ध्यान रखें, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स लगाते हो तो जनरली बहुत ज्यादा गलती हो जाती है इन एनर्जीज को लिखते समय। जब आप प्रॉब्लम करोगे तो फ्रीक्वेंटली आप इसी तरह की गलती करोगे कि आप एनर्जी को ही सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, सही तरीके से रेफरेंस को नहीं असाइन कर रहे हो, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सही एनर्जी नहीं लिख रहे हो। इन्हें लिखना सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फिर यहां तक भी आपने सोची है। इसके बाद जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, अधिकतर जनता यहां पर आके क्लीन बोल्ड हो जाती है, घबरा जाती है। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को देखकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखकर उनको सूझ नहीं पड़ता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। लंबी सी इक्वेशन बनती है, गड़बड़ी। आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे सो दैट यू डेवलप कॉन्फिडेंस विथ योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कि इस तरह की इक्वेशन भी दिखे तो आप एकदम से हिम्मत नहीं आ रहे, सोचे कि मैं शांति से सॉल्व करता हूं या करती हूं। लेट मी ट्राई माय लेवल बेस्ट। कई बार आप इस तरह की गलतियां करेंगे, जैसे मैं भी कर रहा था कि मैंने पहले सोचा कि चलिए एक्स नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दूं, पर फिर एकदम ध्यान से देखा यार इसको खोलूंगा तो के एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे कैंसिल होएगा, तो अभी एक्स नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करता। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस उन्हें प्रैक्टिस करना होगा। अब हमने यह इक्वेशन बनाई, इसको देखा कि इसको सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके हमें एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट अपीयरेंस में देखकर ऐसा लगा कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हाउ टू सॉल्व इट, दिमाग खराब हो जाएगा इसको सॉल्व करने में तो। बट येट हमने सॉल्व करा, हमने इसे लिखा, इस टर्म को लिखा, इस टर्म को ऐसा कैसे लिखा, हमने सोचा सबसे पहले तो इसको एक्सपांड कर ले कि एक्स नॉट स्क्वायर ऐसा कैसे कैंसिल होता हुआ दिखा, और जैसे कि एक्स नॉट स्क्वायर हमें कैंसिल होता हुआ दिखा वैसे एकदम से ऐसा लगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक तो बची नहीं, अब तो लीनियर इक्वेशन हो गई ये कि एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल होते थे। हमने दोबारा जो बची हुई टर्म्स थी उनको लिखी, हाफ के एच स्क्वायर, फिर इधर एक्स नॉट को हमने इधर से सब्स्टिट्यूट करने का डिसाइड कर लिया, ये एक्स नॉट की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर इसे काट दिया। जब इसे काटा तो हमें एमजीएच भी कैंसिल होता हुआ दिख गया। फिर तो बिल्कुल ही आसान सी इक्वेशन बन गई, एमवी स्क्वायर इक्वल टू के एच स्क्वायर एंड एच इज दिस, means this is the further maximum elongation in the spring। और elongation from natural length की भी बात करें, x max maximum elongation in spring की यदि हम बात करें तो ऑलरेडी वो mg by k से elongated ही था, ऑलरेडी वो mg by k से elongated था और फर्दर वो h से नीचे जा रहा है। दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एंड दिस इज फर्दर एलोंगेशन फ्रॉम द स्टैटिक पोजीशन और फ्रॉम दिस पोजीशन। अब इस प्रॉब्लम को जब ये रिजल्ट आया तो जैसे हम एक और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हम इस सिचुएशन पर, जब यह स्टैटिक पोजीशन पर था, इस सिचुएशन पर जब स्प्रिंग ऑलरेडी एक्स नॉट से एलोंगेटेड थी, इस सिचुएशन पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन कर सकते थे और फिर ग्रेविटी को भूल जाए और ग्रेविटी को भूलकर हम सिर्फ इसको वी नॉट वेलोसिटी से नीचे आता हुआ देखें और स्प्रिंग को फर्दर एलोंगेट होता हुआ देखें। हम इस सिचुएशन पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन करें और ग्रेविटी को भूल जाए, फॉरगेट अबाउट ग्रेविटी एंड असाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एज जीरो एट दिस कंडीशन। Now at this situation, the velocity is zero and the potential energy of the spring would be half kh square. हम इस तरह से लिखेंगे अब इस सिचुएशन पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहा और काइनेटिक एनर्जी को कहा हाफ m वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि उसको वी नॉट से नीचे पुश करा गया और Potential energy 0, kinetic energy half mv0 square. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटी को पूरी तरह से भूल चुके हैं क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट को हमने ऑलरेडी अकाउंट कर लिया है हाफ के एक्स इक्वल टू mg में, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी पहले से अकाउंट हो चुकी है। अब जब यह मैक्सिमम एलोंगेट हुई तो मैक्सिमम एलोंगेशन के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एच स्क्वायर। हम इस तरह से इक्वेशन बनाकर वंस अगेन हम इसी तरह का रिजल्ट डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते, बट येट आई वुड से अवॉइड दिस कंसेप्ट। आपको एक बेसिक और फर्स्ट प्रिंसिपल में चल के ही सिचुएशन को उसको सॉल्व करने का प्रयास ज्यादा करो, क्योंकि ये एनालॉजी हमेशा भी होल्ड नहीं करेगी, वो इधर होल्ड करती दिख रही है। बड़े ध्यान से इस स्प्रिंग मास सिस्टम को देखो। अब मैं अगला एक और मास सिस्टम समझाता हूं, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन सीख लिया है, इसीलिए अब एक प्रॉब्लम हम सर्कुलर मोशन पर से करते हैं। इसे नोट डाउन कर लो। मैं एक प्रॉब्लम इस समय पहले आपको देता हूं, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट पर इन्वॉल्व है, वर्क पावर एनर्जी एज वेल एज सर्कुलर मोशन। This is the situation. This is a circular loop. मैं इधर से एक पार्टिकल ड्रॉप करता हूं, यह एक पार्टिकल है, यह पार्टिकल, नाउ दिस इज स्मूथ ट्रैक, दिस इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, पूरी तरह से स्मूथ है। यह पार्टिकल इधर से इस तरह से नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ इस सर्कुलर पाथ पर आ जाएगा, और सर्कुलर पाथ पर आकर यह इस तरह से घूमने लगेगा। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज आर। इसका रेडियस आर है। इस पार्टिकल को h हाइट से गिराया जा रहा है, h हाइट से इस पार्टिकल को रिलीज करा जा रहा है। इट्स रिलीज्ड एट रेस्ट। रेस्ट से इस पार्टिकल को रिलीज करा गया। जब इस पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो ये इस तरह से ट्रैवल करेगा, इस तरह से ट्रैवल करते हुए ऐसे आएगा, और ये पूरा सर्कुलर आर्क कंप्लीट कर सकता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, टेल मी द मिनिमम हाइट h सो दैट पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कुलर पाथ। टेल मी minimum value of h so that the particle completes the circular motion, or it never leaves the circular track. यह पार्टिकल कभी भी सर्कुलर ट्रैक नहीं छोड़े, इसके लिए मिनिमम हाइट h क्या हो। यदि यह हाइट h कम हुई तो ये कहीं यहीं पर जाकर नीचे लौट सकता है, यहां तक गया और ऐसे गिर गया। ये पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे, इसके लिए इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से पार्टिकल को रिलीज करा गया है, इसकी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए। इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, सॉल्व करके बताइए। मैं आपको 4 से 5 मिनट का सोचने का समय दूंगा, फिर समझाना चालू करूंगा इस प्रॉब्लम को। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन as well as the concept of work, power and energy। ऐसे प्रॉब्लम में न्यूटन्स लॉ, एक्सीलरेशन, काइनेमेटिक्स कभी नहीं लगाया जाता है। ऐसे प्रॉब्लम में सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट अवश्य आएगा और WPE का। इसी समय सोचिए, 3 से 4 मिनट के बाद समझाना चालू करें।